अच्छे चीज का अधिष्ठान करते हुए ये वर्षावास मनाना है। जितना हो सके उतना पुण्य करना, जितना हो सके उतना पाप से दूर होना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैराथ सुखो पुण्यशौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित और जो बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथम आज आषाढ़ पूर्णिमा है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, वर्षावास प्रारंभ दिन है। ऐसे पावन उपलक्ष्य में सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। बोले साधो साधो साधो। विशेषतः आषाढ़ पूर्णिमा बोले तो जिस समय तथागत बुद्ध ने दस पारमिता, दस उपपारमिता, दस परमार्थ पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण होने के बाद बुद्ध बनने के लिए जो अंतिम जन्म लेना था, तो माता महामाया देवी के कोख में सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में जन्म होने के लिए जो गर्भ प्रवेश किया वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और जो बोधिसत्व है, जो बुद्ध बनने वाला व्यक्ति है, वो माँ के पेट में 10 महीना ही रहता है, न एक दिन आगे न एक दिन पीछे। तो आषाढ़ पूर्णिमा के 10 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन आते हैं और वही वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा गर्भ प्रवेश दिन। दूसरा है यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बोधिसत्व ने सारा दरबार, राजश्री, सुख, वैभव, परिवार सब छोड़ छाड़ के महाविनिष्क्रमण किया था। जो दरबार छोड़ के घर त्याग के जाते हैं, बोधिसत्व जाते हैं, तो इसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष के उम्र में जिस दिन उनका यशोधरा देवी की तरफ से जो राहुल कुमार का जन्म हुआ था, अपने बेटे का जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने सारा दरबार सब छोड़ छाड़ के चले गए। और चले जाने का एक ही लक्ष्य था कि जीवन में हर किसी के जीवन में दुख है, यहाँ कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बूढ़ा होना ही पड़ता। यह कोई भी बीमारी होना नहीं चाहते, पर हर किसी को बीमार होना ही पड़ता। कोई भी मरना नहीं चाहते, पर हर कोई मरना ही पड़ता। क्या ऐसे दुख मुक्ति अवस्था नहीं है क्या, जहां ये बुढ़ापा या ये बीमारी या ये मृत्यु ना हो? तो ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया आज के ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद उन्होंने अनेक बड़े बड़े तपस्वियों से शिक्षा दीक्षा लिया, पर दुख मुक्ति नहीं मिला। फिर उन समय के हिसाब से अपने शरीर को अति दुख कष्ट दे के अति दुष्कर तपस्या भी करने लगा, पर क्लांत होके बेहोश हो गया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये अति मार्ग भी छोड़ के मध्यम मार्ग अपनाने लगा,
शिला समाधि प्रज्ञा का मार्ग अपनाने लगा और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया। अभी ये दुख मुक्ति का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब किसको बताऊं? आसान नहीं है कि दुनिया में लोग या तो शरीर को अति सुख दे के आराम से बैठे या अति दुख दे के तम होगा सुगति मिलेगा इस विश्वास पे चल रहे, उन लोगों को मध्यम मार्ग बताना और उसका अभ्यास कराना आसान नहीं है। फिर भी ये समझने वाले, ये बोध होने वाला कौन है? तो ध्यान में आया पंचभद्र वर्गीय, जो दुष्कर तपस्या करते समय साथ में ही सेवा करके बैठे थे। बाद में दुष्कर तपस्या छोड़ दिया तो ये अभी तप प्रस्त हो गया करके छोड़ के गए थे। वो लोग वाराणसी के नजदीक सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में वहां बैठ रहे थे। फिर बुद्ध गया से तथागत बुद्ध ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में जाके पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश दिया। शुरू में तो कोई सुनने को तैयार भी नहीं था और दूर से आते देख के अरे आ गया तब प्रस्त सिद्धार्थ, जब वो आएंगे ना हम उसका सम्मान भी नहीं करेंगे, कोई आसन भी नहीं लगाएंगे, कोई उसका पात्र भी नहीं लेंगे, कोई उसको पानी भी नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल अनजान होके बैठेंगे, ऐसा मतलब निर्णय करके पांचों जन बैठ रहे थे। मगर जैसे जैसे बुद्ध नजदीक नजदीक आ गया, बुद्ध के मैत्री के अनुभव से कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। किसी ने पात्र लिया, किसी ने चीवर लिया, किसी ने पैर धोने को दिया, किसी ने पानी पीने को दिया, किसी ने आसन बिछाया, ऐसा करके बैठ गया। अब बिठा तो दिया पर सबके मन में एक ही था कि इसका कोई बात सुनना नहीं है। पर भगवान बुद्ध ने बार 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 बोला तो भी वो सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर बुद्ध ने कहा, हे पंचभद्र वर्गीय, क्या मैंने आज से पहले कभी झूठ बोला, ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। और आज से पहले मैं बुद्ध बन गया, कभी मैंने बोला था क्या? ऐसा भी नहीं बोला। तो सुनो। फिर वो लोग सुनने को तैयार होते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, दो अति मार्ग इस दुनिया में सबसे पहले छोड़ना है। अगर दुख मुक्त होना है तो दो अति मार्ग छोड़ना है। एक कामेषु काम सुखलिखान योग, शरीर को अति दुख कष्ट देना। दूसरा अत किल मथान योग, शरीर को अति दुख कष्ट देना। ये दो अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में जाना है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अवलंबन करना है। ऐसा कहते हुए चार आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। दुखार्य सत्य, दुख ही दुख से व्याप्त है दुनिया में। दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा, अटैचमेंट, हर चीज में राग जगाना। और दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। निर्वाण पहुंच गया तो कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तो ऐसा उपदेश देते तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद सबसे पहला जो उपदेश दिया, यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और इसको बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धम्म का चक्र अभी प्रवर्तन किया। अभी दुनिया में धम्म का चक्र गतिमान हो गया, इस माने में धम्म चक्र प्रवर्तन। तो तथागत बुद्ध ने यही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला उपदेश किसको दिया? पंचभद्र वर्गियों को। कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में। तो इसलिए आज का दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में भी मनाते हैं। और आज के दिन में ही तथागत बुद्ध ने बौद्ध विनय वर्षावास का प्रारंभ किया था, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से अशोक पूर्णिमा तक 3 महीना बौद्ध विनय अनुरूप वर्षावास करना है, ऐसा जो नियम बनाया वो भी ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होता है।
तो मतलब आज से 3 महीना वर्षावास शुरू हो गया। तो वर्षावास क्या है? बरसात समय में इधर उधर न जाते हुए एक जगह में जहाँ अनुकूल होता है इस जगह पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा धम्म का काम करना, धम्म का अभ्यास करना, ये वर्षावास है। अभी धम्म का अभ्यास करना, बहुत जगह पे ग्रंथ वाचन करते हैं, बहुत जगह पे धम्म की बातें सुनते हैं, तो धम्म की बातें सुनना है, इतना ही बस नहीं करना, धम्म की बातें अभ्यास भी करना है। अगर हिंसा नहीं करना तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करना है तो मैं चोरी नहीं करूंगा, हर बातें, दान देना है तो मैं दान का अभ्यास करूंगा, शील पालन करना है तो मैं शील पालन का अभ्यास करूंगा, ध्यान साधना करना है तो मैं ध्यान साधना का अभ्यास करूंगा, हर जगह पे अच्छे चीज का अधिष्ठान करते हुए ये वर्षावास मनाना है। जितना हो सके उतना पुण्य करना, जितना हो सके उतना पाप से दूर होना। और विशेष रूप से ये वर्षावास 3 महीने के लिए बौद्ध देशों में सारे उपासक उपासिकाओं को संकल्प कराते हैं, अधिष्ठान कराते हैं कि 3 महीना आप क्या छोड़ना चाहते हैं। तो अपने अपने में जो दुर्गुण है कि ये तो मुझे छोड़ना चाहिए पर छोड़ नहीं पा रहे, तो कम से कम चलो प्रारंभ करते हैं, ये 3 महीना तक मैं ये बुराई नहीं करूँगा। कोई ज़्यादा ही झूठ बोलने वाला है तो ये 3 महीना मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोई ज़्यादा ही नॉनवेज खाने वाले हैं तो मैं 3 महीना नॉनवेज नहीं खाऊँगा। कोई क्या एक एक संकल्प। तो उपासक उपासिकाएं याद रखना, जो भी संकल्प लेना है आज रात लेना है, मतलब रात के 12 बजे से पहले, कि ये 3 महीना मैं ऐसे बुराई छोड़ूंगा। एक दूसरा, मैं ये कुशल कर्म निरंतर करूंगा, पुण्य कर्म निरंतर करूंगा, ऐसे संकल्प लेना है, अधिष्ठान लेना है, उससे एक पारमिता भी पूर्ण हो जाता है। बिना पारमिता पूर्ण किए कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। भगवान बुद्ध भी सामने आए तो भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। तो जब भगवान बुद्ध हमें मिले उस समय हमारा पारमिता का घड़ा परिपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए हमें पुण्य करना है, दान का पारमिता पूर्ण करने के लिए दान देना है, शील का पारमिता पूर्ण करने के लिए शील पालन करना है, हर तरह से ऐसा 10 पारमिता पूर्ण करते करते जाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं च पुरुषो कैला, इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। हम अपने आप को इंसान मानते हैं कि नहीं? और दुनिया में केवल इंसान ही है जो धम्म की बातें सुन सकते, समझ सकते, हर पाप से दूर हो सकते, हर धम्म में आगे बढ़ सकते, ये इंसान ही कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, न जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। और बुद्ध कहते बारंबार करना चाहिए, कैदा थे तं पुनः पुनः, पुण्य किया है तो बार बार बारंबार करना चाहिए, एक बार किया ना बस हो गया ऐसा नहीं बैठना, बारंबार करना चाहिए। तम भी छंदन कैदा थे, पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा, ये ऐसा सुख होगा जो अभी भी हमें शांति देगा, बीच में भी शांति देगा, अंत में भी शांति देगा। बाकी काम धाम करने से, बाकी पैसा धन कमाने से, बाकी घर बंगलों बांधने से, बाकी बड़े बड़े गाड़ी खरीदने से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है, पर पुण्य करेंगे तो सुख शांति गारंटी आता है। इसलिए पुण्य करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए, ये बातें सबको पता है, पाप नहीं करना पुण्य करना पता है, फिर भी आसान नहीं है पुण्य करना, आसान नहीं है पाप से दूर होना, क्योंकि न जाने कितने कितने समय से हम वही पाप का ही अभ्यास करते आए हैं, वही पुण्य से दूर होता आया है। इसलिए
दिल से महसूस करना है। अगर हम पाप करेंगे तो दुख कष्ट हमें ही भुगतना पड़ेगा, अगर हम पुण्य करेंगे तो सुख शांति हमें आएगा। सबे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा कम करता है उसको वैसा ही परिणाम आएगा। तो अगर हम जीवन में दुख शांति नहीं चाहते तो पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य ही करना, धम्म ही करना। चाहे कैसे भी हो, कैसे भी माहौल बनाओ, कितना भी एक उपलक्ष्य पकड़ो, पर पुण्य बार 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 करते जाना है। और ऐसे ही पुण्य करने का एक समय है, ये वर्षावास। इसलिए एक माहौल बनाना है पुण्य करने का। जब जब हम पुण्य करेंगे, हमारे लिए तो पुण्य हो ही गया, दूसरों को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। और जब जब दूसरे पुण्य करेंगे उसका तो पुण्य हो ही गया, हमारे लिए भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। ऐसे पुण्य का माहौल बनाते हुए जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। निरंतर हमें दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलना है। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, और पुण्य का माहौल बनाते हुए अकेले हो या मिलके हो, पुण्य बार बार बारंबार करते रहना है और करते रह सके, ऐसे कामना करते हैं। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।